मैं सुरेंद्र मन्हास आरपी ग्लोबल मीडिया जम्मू। आज हमारे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी के स्टेट इंचार्ज, इनके साथ हम आज कुछ मुद्दों पे और कुछ बातों पे डिस्कस करते हैं। तो मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, आप राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी के स्टेट इंचार्ज हैं, तो आप जनता के बीच में किन मुद्दों पे जा रहे हैं? सबसे मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, तो जिन्हें अपना टाइम निकाल कर हमें ये सवाल जो पूछे। सर, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हमारी जो चुनाव एरिया है उसमें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, जो हमारे जो किश्तवाड़ की जो बात करूँगा, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमारे जो प्रोजेक्ट 4 हैं, सबसे बड़ी मसला यह है कि वहाँ पर बेरोजगारी का मसला है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं। 4 प्रोजेक्टों में से हमारे नौजवान जो इंजीनियर ट्रेनिंग करके हैं, इंजीनियर बैठे हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है वहाँ का, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है, लेकिन हमारे बच्चों को ठुकराया जा रहा है वहाँ से। इसलिए वहाँ पर गुर्बत है, ज़मीन हमारी, पानी हमारा, लेकिन हमारे नौजवान बेरोजगार दरबदर है, भटक रहे हैं, क्योंकि उस वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट, चाहे वो CEP का है, चाहे उसका KV का, इसका क्या ना तीरुपाड़ का है, चाहे पकड़ का है, चाहे NHPC का है, वहाँ पर मनमानी से काम किया जा रहा है। लोग जो हमारे हैं बेरोजगार, हम जमीन भी हमारी है, पानी भी, लेकिन हमारे नौजवान बेरोजगार है। इसका मतलब यही है कि वो जो वहाँ पर वो क्या नाम है उसका मनमानी से जो काम चल रहा है उसके लिए हम परेशान हैं। जमीन जो लोगों से ली गई वहाँ पर, उनको आधा पैसा दिया, आधा नहीं दिया गया, वो भी परेशान, वो इस वक्त भी बगैर छत के रहते हैं। दूसरा मसला है कि वहाँ पर ये जो करप्शन का मसला है, सबसे ज्यादा मैंने ये करप्शन इन 2014 से आज तक देखा। हमारा जो नरेगा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में या हमारे किश्तवाड़ की, मैं अपनी किश्तवाड़ की बात करूंगा, वहां पर इन्होंने दक्षिण वाला वो ब्लॉक जला दिया, रिकारपुरा जला दिया, क्योंकि गरीबों का पैसा था उसमें। फिर मड़वा ब्लॉक इन्होंने जला दिया, गरीबों का पैसा उसमें था, करप्शन थी। तो उसके बाद उन्होंने मड़वा वाला वॉर्डवन वाला जला दिया। इन्हीं 6 महीने पहले हमने उसके लिए बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी जम्मू में भी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इसकी CBI इंक्वायरी अच्छी तरह होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। न आज इस मौके पर किसी की सुनवाई होती है, क्योंकि ये करप्शन तभी तो बढ़ रहा है जब पहले तो करप्शन इतना नहीं था। वो जो इस नरेगा में पैसा आता है वो किसको मिलता है, ये हमें आज तक पता नहीं लगा। वो जो हमारे जो सरपंच इनके साथ मिले होते हैं और जो गरीब को पैसे मिलना था, उनको कोई पैसा नहीं मिलता। पहले तो 6,000-10,000 मिलता था कभी कभार, आज वो बंद हो गए उनको बेचारों को। सरपंच साहिबान उनसे मिले हुए हैं और जो भी उनके अपने चमचे 4 होते हैं, उनको पैसा, उनके अकाउंट में पैसा जाता है, और हमारे नौजवान, हमारे जो गरीब आम है जो बिल्कुल ज़मीनी सतह पर उठ नहीं सकते हैं, तो 0 पॉइंट पर बैठे बेचारे, तो उनको आज तक कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन भाजपा ने कहीं दावा कर रही है कि हमने करप्शन फ्री भारत बनाया है। मुझे नहीं लगता है कोई 2014। हाँ देखो बनास साहब, मैं एक बात करूंगा कि ये जो दफा 370 इनने तोड़ा, मैं अपनी पार्टी की, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी की तरफ से पूरी, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से पूरी मतलब ये कहता हूं कि ये जो इन्होंने, ये जो करप्शन बोलते हैं, दफा 370 मुझे बोलिए आप सर, दफा 370 और 35A उनने तोड़ा, हमें बोलिए कि हमें मिला क्या, गरीब आम को क्या मिला। बाहर जाता था काम करने के लिए, या कहीं भी फैक्ट्री में करता था, या कहीं इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो सारे बेरोजगार हुए, वो सब घर वापस आए हैं। तो हम चाहते हैं गवर्नर साहब से, हमारी परजोर अपील है कि वो सबसे पहले नौजवानों पर, हमारे बेरोजगारी जो है यहाँ पर हुई है किश्तवाड़ में, इस त्रावेली में, हम चाहते हैं इस पर गौर किया जाए। क्योंकि मैंने तभी कहा ना सर मन्हास साहब की, यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट हैं हमारे किश्तवाड़ में, जहाँ पर 20,000 आदमी लग सकते हैं, 20,000 नौजवान काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मनमानी से काम किया जा रहा है और हमारे नौजवानों को कोई फायदा नहीं। नौजवान भटक रहे हैं, दर दर हो रहे हैं,
तो आप इन मुद्दों पे जनता के बीच में जाएंगे और जिला किश्तवाड़ में लोगों को जागरूक करेंगे? बिल्कुल, उनके रोजगार और विकास के प्रति। बिल्कुल, हम तो मतलब सर मैं आपके माध्यम से लोगों के पास इसी बात पर जाते हैं। एक तो हमें विकास तो बोलते हैं, मोदी साहब विकास विकास करते हैं, हमें विकास चाहिए। हमें बोले विकास कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ? हमें भी लोगों को, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पर हम कोई विकास नहीं होता। विकास होता है जमीनी सत्ता पर, वो तो नहीं हमने कभी देखा इन 4-6-7 साल में, हमने कभी नहीं देखा। और हमारी परजोर अपील है मोदी साहब से भी, इस गवर्नर साहब से भी, कि यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन फौरी कराए जाएं, ताकि जहाँ पर जो गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ के जो एमएलए चुनकर आएंगे, वो लोगों की आवाम की बेहबूदी के लिए काम करेंगे जैसे होता था। यह हमारी परजोर अपील है कि यहाँ पर इलेक्शन कराए जाए। जो DDC के इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या इनका लाभ, इसका लाभ जनता को मिल सकता है या नहीं? सर मैं के तो ठीक है, हम मानते हैं कि DDC से इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर हम, या कहीं से भी जम्मू कश्मीर में, जो इनने पहले ये सरपंच इलेक्शन कराए, हमें बोले सरपंच इलेक्शन में 2-2.5 साल हो चुके हैं। इन्हें फर्स्ट पार्ट में वो क्या नाम इसका वो कराए थे, ये काम करेंगे जी, वो काम करे बी में, थ्री में, हमें बोले कहाँ पर क्या, कौन सी किस जगह दिखाएं, कौन सा काम हुआ, जमीनी सत्ता पर दिखाएं, वो कहाँ पर क्या काम हुआ। अब इसके बाद उनने ये DDC का इलेक्शन कराए, हम ठीक है अभी होने वाले हैं या होंगे, अभी 28 तारीख को 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो हमें लगता है अगर ये कोई अच्छे उम्मीदवार हुए या कोई ईमानदार अच्छे होंगे, तो वो जो गरीबों के काम करेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसी चीज़ पर भरोसा करते हैं। लेकिन सरकार, सेंट्रल सरकार बोलती है कि हमने सरपंचों को इतने लाख पैसे दिए हैं सर, क्या आपके भी सरपंच होंगे, उनको वो पैसा पहुंचा है? सर वही तो मैं कहता हूँ सर, हमें बताएं कहाँ किसको, हाँ अगर सरपंचों को मिला हुआ यहाँ डिपार्टमेंट होता तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, डिपार्टमेंट को मिला होगा यहाँ सरपंच को मिला होगा, तो गरीब आम को कहीं हमें दिखाएं कौन सी बिल्डिंग बनी, कौन सी किस गाँव में, या जो उसमें आता ना सर वो हाईवे मकान, हमें बोले मुझे 50 फोन आते दिन को, 100 फोन आते भाई हमारा हाईवे मकान नहीं बना, हमें पैसा नहीं मिला, हमें वहाँ से बोलते हैं सरपंच, बोलते हैं आज उसके नाम है कल आपके नाम, लेकिन आज तक वो भी बोलते हैं कि किसी को मिला ही नहीं, किस हमें बोले किस, तभी जो मुद्दा हमारा है कहाँ वो काम हुआ, किस कहाँ पर किस जगह, जम्मू कश्मीर में दिखाएं, चाहे जम्मू की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे हमारे चिनाब एरिया की बात करें, बोले कि कहाँ पर हुआ क्या। तो ये थे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जिनका सीधा कहना है कि हम आवाम के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनकी बेरोजगारी और करप्शन पर लड़ाई। इनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं सुरेंद्र मन्हास, RP ग्लोबल मीडिया जम्मू।